हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस पोशाक का सेकंड पार्ट बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलो अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। हमारी सभी पत्तियां बन गई हैं। अब हम इसमें दूसरा रंग जोड़ेंगे। जहाँ पे हमने ऊपर इस पत्ती में दो चैन बनाई थी, वहाँ पे हम ये रंग जोड़ेंगे। हम यहाँ पे जो हमने सेकंड कलर लगाया था, वो वाला रंग जोड़ेंगे। इसमें यहाँ पे जोड़ लिया। शुरू में हम तीन चैन बनाएंगे। एक, दो और ये तीन। एक तो हमारा ये सिंगल क्रोशिया हो गया, एक क्रोशिया और बना लेंगे इसी लूप के अंदर जहाँ पे हमने ये जोड़ा। यहाँ पे दो चैन बनाई थी, फिर वापस से हम दो चैन बना देंगे। फिर इसी लूप के अंदर वापस से दो डबल क्रोशिया और बना देंगे। जहाँ हमने पत्ती में ऊपर दो चैन बनाई थी, वहाँ पे हमें दो डबल क्रोशिया, फिर दो चैन और फिर दो डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह हमें ऊपर के बनाना है। अब हमें नीचे से इस पत्ती में जो हमारा एक क्रोशिया है, इसमें ऊपर चैन से ना बना के क्रोशिया को इस तरह से पीछे से डालेंगे। इसमें क्रोशिया को पीछे से डालेंगे और इस तरह पीछे से इस डबल क्रोशिया के नीचे से इसको लेके ऊन को, और फिर हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर से देखो, ये वाला क्रोशिया हुक हमने इधर डाला और इस डबल क्रोशिया के ऊपर से लेके पीछे की तरफ से इसमें ऊन निकालते हैं और इस तरह हम ये डबल क्रोशिया बना देते हैं। सभी के अंदर हम ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे। पीछे से ऊन लेंगे, पीछे से डबल क्रोशिया हुक को डाल के इस क्रोशिया में इस तरह डाल के और पीछे से ऊन निकाल के इस तरह हमें सभी में डबल क्रोशिया बनाना है। पीछे से ऊन में इस तरह क्रोशिया को इस तरह डाल के इसमें लेके हम पीछे से ऊन हुक को डाल के इसमें इस तरह लेके हम सभी के अंदर हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं। पीछे से लिख के बनाना है हमको इस तरह। ये हमारे सभी हमने डबल क्रोशिया बना लिए। पीछे से लेने से आगे की तरफ इस तरह लूप से बन जाता है। ये हमारा डबल क्रोशिया बन गया। अब हम जो हमने पीछे आठ चैन बनाई थी वो, और जो ये हमने बैंगनी कलर का ये फूल सा बनाया है जो पत्ती, इसमें इसके सेंटर में चार इधर छोड़ देंगे, चार इधर लेके, और इसके बीच में इसको थोड़ा ऐसे लूज कर लेंगे और इन दोनों को इस तरह, इन दोनों को इस तरह सब दोनों को, और यहाँ पे इस तरह क्रोशा को डाल के एक सिंगल क्रोशा बना देंगे। थोड़ा ये लूज लूज बनाते हैं। सिंगल क्रोशा बना दिया। अब वापस से हम क्रोशिया हुक लेंगे और वापस से हमारे अगली पत्ती के इस वाले जो हमने शुरू में तीन चैन बनाई थी, इस वाली चैन के अंदर एक हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पीछे भी सिंगल क्रोशिया बनाया था, यहाँ भी हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब हम वापस से हमारा पीछे की तरफ से लेंगे और ये हमारा डबल क्रोशिया बना लेंगे। अभी डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमने ये डबल क्रोशिया बना लिया है। डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो हमने पहली पत्ती पे बनाया था, उसमें पहली चैन तो जुड़ गई, दूसरी चैन के अंदर क्रोशिया हुक को दूसरी चैन में इस तरह क्रोशिया हुक को डाल लेते हैं। पहले ये बना लिया है, दूसरी चैन में क्रोशिया हुक को डाल के इस वाले
ऊन के लूप को इसमें से इस तरह निकाल लेते हैं, तो जिससे दोनों पत्ती आपस में जुड़ जाती है। अब वापस से हम पीछे से लेके इसमें एक डबल क्रोशिया और बना लेते हैं। ये हमारा डबल क्रोशिया बन गया। अब इसे अगली वाली चैन के अंदर क्रोशिया हुक को डाल के इस लूप को इसमें डाल लेते हैं। इस तरह हमको ये 7 जोड़ने, दो तो हमारे जुड़ गए, 3 जुड़ गए। अब हमें चौथा जोड़ देंगे। एक तो नीचे से जुड़ ही जाता है, ऊपर 6 और जोड़ देते हैं। ऐसे ये चौथा जुड़ गया हमारा, ये हमने इसमें से चैन में से लेके इस लूप को इस तरह निकाल लेते हैं। ये 5, छः, और ये 7। ये हमारी 7 जुड़ गए। अब हमारे 5 बचेंगे, ऊपर 5 डबल क्रोशिया और बचते हैं। अब इनमें पीछे से हम इस तरह बना लेते हैं। अब हमें जोड़ना नहीं है, सीधा बनाना है। तीन, चार, और ये 5। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम ऊपर जहाँ हमने 2 चैन बनाई थी वहाँ आ गए। 2 चैन के अंदर हम पीछे से ना बना के अब आगे से बनाएंगे। 2 चैन में हम आगे से बनाएंगे। आगे से हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है इसी के अंदर। ये 2 डबल क्रोशिया बना लिए हमने, फिर हम 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद हम इसी के अंदर वापस से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो इसमें हमारे 4 डबल क्रोशिया हो जाते हैं इसी चैन के अंदर। ये हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए। 4 डबल क्रोशिया होने के बाद वापस से हम वही पीछे से बनाएंगे 4 डबल। ये पीछे से हम वापस से हम वही डबल क्रोशिया बना लेते हैं। सारे डबल क्रोशिया को हम पीछे से बनाते हैं, बस ऊपर वाला जो हमने 2 चैन बनाते हैं वहाँ हमें आगे से बनाना है। और यहाँ पे 7 बार हम डबल क्रोशिया को आपस में दोनों पत्तियों को जोड़ देते हैं और ऊपर चैन बनाते हैं। अब इस तरह हम ये पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब हमने लास्ट वाली पत्ती में बना लिए क्रोशे। अब हम यहाँ पे पीछे इस वाली फूल को और इस वाइट वाली लूप को दोनों को सिंगल क्रोशिया से जोड़ते हैं। ये हमने सिंगल क्रोशिया से जोड़ दिया है। अब इस दूसरी पत्ती को जोड़ने के लिए हम एक डबल क्रोशिया बनाते हैं। पीछे वाले लूप में मैंने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बताया था यहाँ, लेकिन यहाँ डबल क्रोशिया से ही जोड़ना है। इधर वाली पत्ती से तो हमको सिंगल क्रोशिया जोड़ना है, और दूसरी वाली पत्ती से जोड़ने के लिए हमको डबल क्रोशिया से जोड़ना है। पीछे से हम ये डबल क्रोशिया बनाते हैं, इधर से भी डबल क्रोशिया बनाते हैं, और ये पहला लूप छोड़ के, पहली चैन छोड़ के दूसरी चैन में हम इसे इस तरह जोड़ देंगे। इस तरह हम ये 7 बार जोड़ लेते हैं। बस ये याद रखना है कि हमको इधर तो इस वाली चैन में से निकालना है। ये हमने डबल क्रोशिया बनाया इस वाली पत्ती का, और इस वाली दूसरी वाली बनी हुई पत्ती के चैन में से डाल के इस लूप को निकाल लेते हैं। ये जो हमारा क्रोशिया हुक से बनता है जो एक, ये ना ये देखो इस तरह बना के ये हम ये ऊपर वाली चैन लेके इसको इसमें से निकाल लेते हैं। फिर वही बना लेते हैं। इसमें से हम निकाल लेते हैं। ये हमारा लास्ट वाला और है, जुड़ गया। ये लास्ट वाला और जोड़ देते हैं, पूरे 7 जुड़ गए हमारे। अब हम सभी सभी मैं एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं।
ये लास्ट वाले में बनाने के बाद हम ऊपर जो हमारी तीन चैन बनाई थी ऊपर वाले में, इसमें हम स्लिप चैन से जोड़ देते हैं। इसे तीसरे नंबर की चैन में स्लिप चैन से जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद हम इसे रंग को भी हम काट देते हैं। अभी हमारा कुछ इस तरह से बन जाती है। अब हम वापस से वाइट कलर की ऊन लेते हैं और वाइट कलर की ऊन को हम जो हमने दोनों पत्तियों को जोड़ा है, दोनों पत्तियों को जोड़ा है उसके इस तरफ, एक तरफ हम इस पत्ती को वाइट कलर की ऊन को जोड़ देते हैं। वाइट कलर की ऊन जोड़ने के बाद हम पीछे से तो एक चैन बना लेंगे इस तरह। अब इसमें वापस से हम वही 14 चैन बनाते हैं। वही 14 चैन बनाने के बाद इसे पीछे से ले जाके इसी हुक में स्लिप चैन से जोड़ देते हैं इस तरह। स्लिप चैन से जोड़ने के बाद हम इसमें तीन चैन बना लेते हैं। तीन चैन बनाने के बाद सीधा कर लेंगे और इस वाले लूप में हम वही 12 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। पिछली वाली पत्ती की तरह 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ऊपर दो चैन बनाएंगे और वापस से हम 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह हम इसे बना लेते हैं। अब हमने 12 इधर बना लिए, 12 डबल क्रोशिया इधर बना लिए, ऊपर दो चैन बना ली और इधर 12 डबल क्रोशिया नीचे वाली पत्ती की तरह बना लेते हैं। फिर हमने इधर से शुरू किया था, अब दूसरी तरफ से इसे हम स्लिप चैन से बंद कर देते हैं। हमने इसे स्लिप चैन से बंद कर दिया। इस तरह हमारी पत्ती बन गई है। अब हम इसमें पांच चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। थोड़ा लूज हाथ से बनाते हैं। फिर पांच चैन बनाने के बाद जो हमारा पहले वाली पत्ती है तो उसमें जहाँ पे हमने दो डबल क्रोशिया बनाते हैं उसके नीचे वाले हिस्से से इसको यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देते हैं। सिंगल क्रोशिया अटैच करने के बाद वापस से हम पांच चैन बनाएंगे। पांच चैन बनाने के बाद हम वापस से हमारी जहाँ पे दो पत्तियाँ जुड़ी थी वहाँ पे आ गए। इधर पहली वाली साइड में एक स्लिप चैन से बना लेते हैं, हम इसे जोड़ देते हैं। स्लिप चैन जोड़ने के बाद वापस से हम वही 14 चैन बनाएंगे और पूरी पत्ती को इसी तरह रिपीट करते हुए हम पूरे घेरे में पत्तियाँ बना लेते हैं। अब हमने लास्ट वाली पत्ती भी बना ली है। फिर हमने पांच चैन बना ली। पांच चैन बनाने के बाद हम पहली वाली पत्ती के जहाँ पे हमने पहली वाली पत्ती जहाँ पे हमने दो चैन बनाई थी इस छेद में, इस वाले लूप के अंदर से लेके वापस से हम ये यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। अब वापस से पांच चैन बनाएंगे। पांच चैन बनाने के बाद अभी हमारी इस वाली पत्ती से हम इसे पत्ती से हम इसे यहाँ से जोड़ देते हैं। नीचे से जोड़ना है, पत्ती से नहीं जोड़ना हमको, नीचे से यहाँ से स्लिप चैन से हम जोड़ देते हैं। नीचे से जोड़ने के बाद हम इसे उनको काट देते हैं। हमारी ये पूरी पत्ती बन जाती है। अब हम ये दूसरे रंग की ऊन लगाएंगे। दूसरे रंग की ऊन वापस से हम यहाँ पे हमने दो चैन बनाई थी पत्ती के ऊपर, 12 डबल क्रोशिया इधर, 12 डबल क्रोशिया इधर, और बीच में जहाँ दो चैन बनाई थी वहाँ पे हम इसे जोड़ देते हैं। तीन चैन बनाएंगे हम, वही दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक तो ये बन गया, एक डबल क्रोशिया और बना लेते हैं। दो डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम इसमें वापस से दो चैन बनाएंगे।
एक रे के दो चैन बन गई। अब वापस से हम यहाँ पे दो डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी लूप में हमें दो दो डबल क्रोशिया बनाना है, बीच में दो चैन बनानी। दो चैन बनाने के बाद वापस से हम पिछली पत्ती की तरह नीचे की तरफ से बनाना है हमको, नीचे की तरफ से हमको डबल क्रोशिया बनाना है। नीचे की तरफ से बनाने के लिए हम वही क्रोशिया हुक को पीछे से डालते हैं और इस डबल क्रोशिया के इधर दूसरी तरफ से पीछे की तरफ ले जाके ऊन को इस तरह निकाल के डबल क्रोशिया बना लेते हैं, जैसे हमने पिछली पत्ती में बनाया था। इसी तरह हम इसे नीचे तक बनाते हुए ले आते हैं। हमने ये नीचे तक डबल क्रोशिया बना लाए। हम नीचे तक डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमको जो हमने पहली पत्ती में पीछे की तरफ जो हमने सफ़ेद रंग की ऊन जोड़ी थी और जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था उसके यहाँ सेंटर में से लेके हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। इधर हमने एक यहाँ पे एक ये हमारा सिंगल क्रोशिया बना। अब हम इधर की तरफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के लिए हम पहली वाली चैन के अंदर इस तरह से हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेते हैं। अब हम यहाँ पे पीछे की तरफ से वही डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक दो तीन, एक तो हमारा ये बन गया और तीन ऐसे चार बन जाते हैं। तो इधर से चार बनने के बाद हम इधर से चार गिनेंगे। पहला वाला छोड़ देते हैं, एक दो तीन चार गिन के और पांचवे में इस वाले लूप को इस तरह जोड़ देते हैं। चार बनाने के बाद जोड़ने के बाद फिर हमारे पहले पत्ती की ये ऊपर वाला कोना लेते हैं जिसमें मैंने दो चैन बनाई थी, उसमें क्रोशिया को डाल के इस वाले लूप को इसमें से इस तरह निकाल लेते हैं। इस तरह निकालने के बाद इसमें हम एक चैन बना लेते हैं। एक चैन बनाने के बाद हम वापस से इनमें सभी में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम सेम इसी तरह कर लेंगे। नीचे हमको चार छोड़ के पांचवें बनाना है। अगर नीचे से नहीं आइडिया लगे तो हम ऊपर से गिन के फिर कर लेंगे और पूरे को। अब हमें लास्ट वाली पत्ती पे हमने ये सभी डबल क्रोशिया बना दिए। डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमने पहली वाली पत्ती के पीछे जो हमने ये चैन बनाई थी उस चैन में से हमें एक जो चैन बनाई थी यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ा था उस क्रोशिया के ऊपर वाली चैन में से यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया से एक हम सिंगल क्रोशिया बना के इसे हम पत्ती को जोड़ देते हैं। सिंगल क्रोशिया से पत्ती जोड़ने के बाद हम अब इधर वाली पत्ती को हम डबल क्रोशिया से जोड़ते हैं। इधर हम डबल क्रोशिया बना लेते हैं फिर ऊपर अब हम वापस से उसी तरह बना लेंगे पीछे की साइड से। हमारे चार बन जाते हैं। चार बनने के बाद नीचे की तरफ से पहला तो जुड़ जाता है छोड़ के, चार और छोड़ के फिर इसे जोड़ देंगे। ऐसे नहीं आइडिया लगता है तो ऊपर से हम आठ डबल क्रोशिया को छोड़ देते हैं। ये ऊपर के चार तो जो सेंटर में बने थे इनको छोड़ देते हैं, उसके बाद आठ डबल क्रोशिया को दो चार छः आठ छोड़ के इस ऊपर वाली में इसको हम इस तरह ले लेते हैं। ऊपर वाली चैन में हुक को डाल के इसको यहाँ से हम जॉइंट कर देते हैं। अब हमारे पहले वाली पत्ती के ऊपर के हिस्से को लेते हैं जिसमें हमने दो चैन बनाई थी, वहाँ से इसमें डाल के इसे इस तरह जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद हम वापस से पीछे से ये डबल क्रोशिया बनाते हुए ऊपर तक ले आते हैं। अभी हमें लास्ट वाले में भी हमारा ये डबल क्रोशिया बना लेते हैं। लास्ट वाले में डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम पहले वाली पत्ती की तरह ऊपर की तीसरी चैन में एक स्लिप चैन से हम जोड़ देते हैं और इसको यहाँ पे हम बंद कर देते हैं सोन को। अब इस तरह ये कुछ पोशाक हमारी इस
इस तरह हमारी ये पोशाक हो जाती है। अब इसमें हम मोती और लगाते हैं। मोती लगाने के लिए हम सबसे पहले हमारी ऊपर वाली पत्ती लेते हैं। ऊपर वाली पत्ती के जहाँ पे हमने चार डबल क्रोशिया बनाए थे उसके सेंटर से हम इस चैन सुई को हम डाल लेते हैं। फिर हम इसमें अब एक सफ़ेद, एक लाल और एक सफ़ेद मोती लेते हैं। फिर हमने जो दो पत्तियां जोड़ी थी ना आपस में, दोनों पहले वाली पत्तियां आपस में, उस जगह पे हम इसे सुई को डाल लेते हैं और हल्का सा थोड़ा सा खींच लेते हैं, हल्का सा, जैसे थोड़ी पत्ती पीछे से उठी हुई लगे। भी हमारे यहाँ से जुड़ गई। अब हम इसे पीछे से ले जाते हुए पहली वाली पत्ती के इस जगह ले आते हैं जहाँ पे हमने चार डबल क्रोशिया बनाए थे। अब इसमें हम एक सफ़ेद मोती लगाएंगे यहाँ पे, उसको यहाँ पे इस तरह अटैच कर देते हैं। वापस से हम पीछे से हमारी ऊपर वाली पत्ती के कोने पे ले आते हैं। पत्ती के कोने पे लाके सेंटर में आ जाते हैं हम इसके में। एक सफेद, एक लाल और एक सफेद, इस तरह हम ये इस वाले कोने पे लगाएंगे और जहाँ पे हमने नीचे वाली पत्तियाँ जोड़ी थी दोनों, वहाँ पे सुई को ले जाएंगे और हल्का सा खींच लेंगे जैसे ऊपर की पत्ती हमारी थोड़ी उठी हुई लगे। इस तरह हमारी ये पूरे में हम घेरे में लगा लेंगे और चोली का बॉर्डर भी बना लेते हैं। चोली का बॉर्डर बनाने के लिए हम यहाँ से चोली के यहाँ नीचे से बैंगनी कलर की ऊन जोड़ लेंगे। शुरू में हम हर डबल क्रोशिया में दो दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और कोने के ऊपर दो चैन बना के तीन तीन सिंगल क्रोशिया बना के ऊपर की तरफ एक एक क्रोशिया बना के हम इस चोली का बॉर्डर भी बना लेते हैं। अब हमने सभी जगह पे मोती लगा लिए और चोली के दोनों बाजू में और गले पे हमने बॉर्डर बना लिया। शुरू के इन डबल क्रोशिया में तो हमें दो दो बार सिंगल क्रोशिया लेना रहता है और कोने पे हमें दो सिंगल क्रोशिया लेके एक चैन बनाते हैं और ऊपर की तरफ एक सिंगल क्रोशिया लेके ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया लेके इसका बॉर्डर बना देते हैं। ऐसे हम बाजू पे बना लेते हैं। अभी हमारी पोशाक पूरी हो गई। अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।